हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शुक्ला। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस के 500 एमसीक्यूज, ठीक है, तो इस सीरीज का ये फिफ्थ पार्ट है। इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। जैसा कि इस बार जो है नेशनल मिल्क डे 2019 जो है सेलिब्रेट किया गया, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को। हर साल जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन का बर्थडे होता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है हमारे यहाँ पर फादर ऑफ जो है मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। क्यों? इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो आपको ये नोटिस करना है कि ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब होगा मिल्क रेवोल्यूशन से, यानी वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना है और इनकी वजह से आज इंडिया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे टॉप पोजीशन पे है, जहां पर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इनका 26 नवंबर 1921 को हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो इनका प्रोडक्शन जो है आज कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि आज हमारे यहाँ पर 340 ग्राम्स पर डे जो है 2015 एंड 16 के अकॉर्डिंग पर पर्सन जो है इतना मिल्क अवेलेबल है, जो कि डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग पर पर्सन का क्राइटेरिया लगभग 210 ग्राम होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग उससे कितना ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं की देन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, जो हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि जो मिल्क प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्होंने एक मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट किया था अमूल, ठीक है, अमूल, तो अमूल का इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था वो गुजरात में किया गया था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ये कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। इसका हम लोग वीडियोस के लास्ट में इसका आंसर देखेंगे, तब तक आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसके साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं और वो है कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया 2019, यानी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है हमारा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे पहले नेशनल लॉ डे के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता था, नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताइए, इससे पहले हमने जैसा कि बोला कि इसे नेशनल लॉ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो किस ईयर से हम लोग इसे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। इसका क्वेश्चन हम लोग आंसर जो है लास्ट वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो फिफ्थ सीरीज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है, ठीक है। तो इसका बहुत सा इजी आंसर है, मतलब बहुत सा इजी आंसर, तो आप लोग जानते भी होंगे, अभी तक इसका सॉल्व भी कर लिया होगा। तो ए बी जो है हमारा ये सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता है या यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। आप लोग ये बताइएगा कि ए बी जो है इसका एक एंटीजन होता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये है या फिर ये है, ए बी नेगेटिव है या फिर ए बी पॉजिटिव है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसको अभी वीडियोस के लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, यानी रॉड के आकार के बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बताइए, बैसिलस, सिप्रिलियम्स, कोकस, कोमा, ठीक है, बताइए इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बैसिलस। देखिए, बैसिलस जो बैक्टीरिया है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये एक रॉड सेल्स के रूप में आपको दिखा रही होगी, ठीक है। जैसा कि रॉड सेल्स आप देख रहे हैं, एक जो है छड़ के समान होता है इसका आकार, मतलब एक जो है रॉड के रूप में होता है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, यानी ये जो है बेसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द एनिमल विच हैज कम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन इंडिया हैपेंस टू बी, भारत में हाल ही में जो जानवर विलुप्त हो गए हैं वो कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन इसका है सुनहरी कैट, या सुनहरी जो है गोल्डन कैट, सॉरी गोल्डन कैट, चीता, वुल्पी वोली लूफ वॉल्फ राइनोर्स, ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसका सही ऑप्शन है चीता। देखिए चीते की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या हो गई है, कम हो गई है, और ये चीते जो चीता है इसकी पॉपुलेशंस इंडिया से गायब हो गई, इवन अन्य कंट्रियों से भी इसकी पॉपुलेशन 91% गायब हो गई। चीता जो है वो एक तरीके का सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल है, यानी सबसे ज़्यादा तेज से दौड़ने वाला एक जो है जानवर है, एक कैट प्रजाति है यानी एक बिल्ली की प्रजाति है, जो 91% इसकी जो है पॉपुलेशन फॉल हो गई है, और प्रेजेंट टाइम पर ये सिर्फ 6 कंट्रीज में रह गया है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। तो ये एक एक्सटिंक्ट मतलब एक विलुप्त प्रजाति है जो अभी इंडिया में नहीं पाई जाती। इंडिया और जैसे इंडिया को छोड़कर जैसे पड़ोसी देश हैं आप जो है वहाँ पर भी इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ईरान वगैरह में इसकी पॉपुलेशन थोड़ी बहुत है, तो वहाँ से अभी इंडिया में फिर से इसका एक कंजर्वेशन स्टार्ट होने की बात हो रही है, ठीक है। चलो बढ़िए, हम तो बढ़ते हैं हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय वेजिटेशन प्रोपोगेशन आर कॉल्ड, वनस्पतिक प्रसार द्वारा एकल पौधे से प्राप्त सभी पूर्वजों को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका क्लोन, प्योर लाइन, इंडर्ड लाइन्स, पेडिग्री लाइन्स, ठीक है। देखिए इसका सही ऑप्शन है ए यानी क्लोन। जैसे एक जो है एक कोई स्पीसीज है प्लांट्स है, तो उस प्लांट का मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, हमने कोई प्लांट लगाया, तो इस प्लांट से जो भी अदर स्पीसीज तैयार होगी, जो भी अदर स्पीसीज तैयार होगी वो इसी प्लांट्स का क्या होगी जो है क्लोन कहलाएगी, क्योंकि हमने इसी प्लांट से इसी ट्री से अगर हमने कोई ट्री है मान लीजिए कोई ट्री बनाया है इस तरीके से कोई ट्री बनाया है, उस ट्री का अदर स्पीसीज हमने इसी तरीके से तैयार किया है, तो इसका ये जो है ये क्या कहलाएगा, इसका क्लोन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा यानी क्लोन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ कपल्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, निम्नलिखित में से कौन से रक्त समूह क्रमशः ए और बी के रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यानी विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हमने बात की जाए कि जैसे कोई ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो उसमें जो मौजूद जीनोटाइप होते हैं जिनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पीढ़ी में जो है उसका ब्लड ग्रुप तैयार होता है, तो ए का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, ये होता है आई ए और आई ओ, आई ए और आई ओ, फिर से बोल रहा हूँ आई ए और आई ओ, और बी वालों का जीनोटाइप जो होता है वो होता है आई बी और आई ओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं पहले क्या आएगा। देखिए अगर हम लोग यानी मान लो ये पिता का जीनोटाइप है और ये माता का जीनोटाइप है यानी फादर और मदर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना फीमेल और मेल से, यानी यहाँ पर हमने लिखा फादर एफ फादर और मदर, यानी मदर का जीनोटाइप क्या है आई बी और आई ओ, और फादर का जीनोटाइप जो है वो है कि आई ए और आई ओ, ठीक है। तो अगर इसके जीनोटाइप से मान लीजिए एक जीनोटाइप यहाँ पर आया आई ए आ गया, और वहाँ से एक जीनोटाइप आया मान लीजिए यहाँ पर आ गया आई बी आ गया, तो ये जो ब्लड ग्रुप बनकर तैयार होगा वो कौन सा होगा, ये होगा ए बी होगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगर मान लीजिए इससे क्या आ गया आई ए आया, फिर से इससे मान लीजिए आई ए आया और इस जीनोटाइप से आई ए आया और यहाँ वाले जीनोटाइप से आई ओ आया, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनकर तैयार होगा, ब्लड ग्रुप बनकर तैयार होगा ए,
अब मान लीजिए अगर इधर वाले सेक्शन में माता ग्रुप से बच्चे में चला गया आई बी, बच्चे में आया आई बी, और पिता वाले रक्त समूह से इसमें जीनोटाइप जो आया वह आया आई ओ, क्या आया आई ओ, तो ये जो रक्त समूह बनकर तैयार होगा वो होगा ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए माता के रक्त समूह से जीनोटाइप आया आई ओ, आई ओ, और पिता के रक्त समूह से यानी जो जीनोटाइप आया वो भी आया आई ओ, ठीक है, तो यानी ये जो ब्लड ग्रुप बनकर तैयार होगा वो होगा ओ, अर्थात यानी ए और बी दोनों अगर जो है ब्लड ग्रुप है मेल और फीमेल में, तो आने वाले बच्चों में जो रक्त समूह होंगे वो हम देख रहे हैं ए बी भी होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और ओ भी होगा, तो इन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा सी सही होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। ठीक है, इसमें क्या है, ये जीनोटाइप है, ये एक जीनोटाइप है और ये जीनोटाइप अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते, सॉरी, तो ये जो है जीनोटाइप जो फादर के जीनोटाइप हैं, इस ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप हैं और माता के जो ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप हैं, ये इसमें से एक एक जीनोटाइप अगली पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का रक्त समूह उसमें पाया जाता है। बच्चों में जो रक्त समूह होता है वो माता और पिता के जीनोटाइप से निर्धारित होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाई अ वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पॉलीमाइटिस, मलेरिया, वूफिंग कफ, रिंगवॉर्म, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए मलेरिया तो एक जो है वो किससे होता है, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, वूफिंग कफ, ठीक है, बैक्टीरिया यानी रिंग वॉर्म्स ये फंगस है, तो इसका सही ऑप्शन आप अगर जो है थोड़ा सा नॉलेज होता है पढ़ा होता तो इसे आप टिक करते यानी पॉलीमाइटिस। ठीक है, तो इसमें जो है अगर पढ़ा होगा आपने तो पॉलीमाइटिस जो है एक तरीके का वायरस से होने वाली बीमारी है। देखिए पॉलीमाइटिस जो है एक वायरस है, जो वायरस हम लोग देखा वायरस से होने वाली बीमारी है, और ये वायरस कैसे फैलता है, एक संक्रमित व्यक्ति को ही है, एक मान लो जो ये संक्रमित व्यक्ति है तो उससे संक्रमित व्यक्ति से उसके संपर्क में आने से, उसका जूठा वगैरह खाने से, उसका पानी वगैरह पीने से देख रहे हैं, तो उससे जो है ये पॉलीमाइटिस जो वायरस है ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, और ब्रेन को इफेक्ट करने के बाद आपका जो है नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर वीक हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड वीक हो जाने के बाद आपका जो ऊपर वाला शरीर है, ऊपर वाला शरीर ये एज इट इज रहता है, जबकि आपके दोनों पैर जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, जबकि ऊपर वाला शरीर विकसित होता है और नीचे वाला शरीर जो है बहुत ज़्यादा, नीचे वाले जो पैर्स हैं वो काफ़ी क्या हो जाते हैं, निचले पैर्स काफ़ी वीक हो जाते हैं, और जो है पर्सन्स व्हील चेयर्स पर आ जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो विकलांग हो जाता है, पैरों से विकलांग हो जाता है। तो ये पॉलीमाइटिस एक तरीके का पोलियो ही आप इसको कह सकते हैं, एक तरीके का पोलियो वायरस ही, ठीक है, जो एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, तो अवेयर रहिए इसके बारे में आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी वन, निम्नलिखित में से किसे विटामिन बी वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड्स। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा, तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं, इसका सही ऑप्शन है क्या, विटामिन जो है बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। ठीक है, थायमीन, तो बढ़िए हम लोग बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सही है। ठीक है, अधिकांश जीवों में डीएनए अनुवांशिक सामग्री है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल द वायरसेस, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द ऑल वायरसेस। देखिए ये डी और ई दोनों ऑप्शंस पहले ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है हमेशा वायरसेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डी ई और ई जो है अपने आप से गलत कर सकते हैं, इसमें वायरस फिर कहा गया और बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, तो ये भी आरएनए वगैरह गलत हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन केवल सही होगा कौन सा, ए, ऑप्शन केवल सही होगा कौन सा, ए,
यानी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, फोटोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स, यानी रोगजनक बैक्टीरिया का स्राव कहाँ से होता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स या इंटरफेरॉन्स। देखिए, जो बैक्टीरियाज का स्राव होता है, फोटोजेनिक बैक्टीरिया का स्राव, वो हमेशा कहाँ से होता है, एंटीजन से होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एंटीजन से, यानी एंटीजन बैक्टीरिया से ही स्राव होता है फोटोजेनिक बैक्टीरियाज का। ठीक है, बढ़िया, हम लोग बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, वेयर इज द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स, भारत का वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए, इसका सही ऑप्शन है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस हेडक्वार्टर है, और ये अच्छा ये बताइए कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1890 में, यानी 13 फेब 1890 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कलकत्ता में, ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे, आपको सभी जवाब आते होंगे, आपने ढूंढ भी लिए होंगे। चलिए हम लोग उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो अमूल फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो देखिए इसका सही जवाब है, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1956 में एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे वैसे ये 1946 में यानी 10 साल पहले ये एज अ कंपनी फाइंड आउट हुई थी अमूल। ठीक है, और 1956 में एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका फॉर्म्ड हुआ था, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इसका एस्टेब्लिशमेंट 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, यानी कब से हमने मनाना शुरू किया, 26 नवंबर को हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना कब से शुरू किया। ठीक है, तो 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने मनाना शुरू किया 2015 से, 2015 से हमने इसे संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था कि ए बी नेगेटिव इनमें से कौन यूनिवर्सल रिस्पेंट होता है। तो अगर आपको इसमें ऑप्शन आ जाए ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव में, तो आप क्या टिक करेंगे, ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिस्पेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका आज का डिस्कशन, तो बने रहिए एग्जाम साला के साथ। थैंक यू।